नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ रोहित सरदाना की संपत्ति को लेकर। रोहित सरदाना जिनका सुबह निधन हो गया हार्ट अटैक आने की वजह से, सामने आई थी खबर कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था एक हफ्ते पहले, और आज अचानक सुबह 4 बजे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई जिसके चलते उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कुछ पल बाद खबर आई कि उनका निधन हो गया। निधन के ठीक बाद उनसे जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आज हम आपको बताने वाले हैं रोहित सरदाना की संपत्ति का सच। क्या आखिर निधन के बाद कितनी संपत्ति वो अपने परिवार के लिए छोड़कर गए हैं और उनकी 1 महीने की सैलरी आखिर कितनी थी, इसका भी खुलासा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। न्यूज एंकर और जानी मानी हस्ती रोहित सरदाना जिनका सुबह निधन हो गया और उनके निधन के बाद से ही उनसे जुड़ी तमाम खबरें सामने आने लगी। रोहित सरदाना जिन्होंने सबसे पहले ताल ठोक के विवाद शो को होस्ट किया था जो कि जी न्यूज पर आता था, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठते थे और इस वक्त वो हिस्सा थे आज तक का जहां पर वो दंगल शो को होस्ट करते थे। बता दें कि रोहित सरदाना की इन्हीं अच्छे कामों को देखते हुए गणेश विद्यार्थी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। रोहित सरदाना जो पत्रकारिता में अपने नाम बना चुके थे, अपनी पहचान बना चुके थे और लोग रोहित सरदाना को अपना आदर्श मानते थे, आज हम रोहित सरदाना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे और साथ ही उनकी संपत्ति पर भी करेंगे खुलासा कि आखिर उनके निधन के बाद कितनी संपत्ति वो अपने परिवार के नाम पर छोड़ कर चले गए। रोहित सरदाना जिनका जन्म 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। रोहित सरदाना की पत्नी का नाम प्रमिला दीक्षित है। रोहित और प्रमिला की 2 बेटियां भी हैं। रोहित सरदाना अक्सर अपनी बेटी और पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर किया करते थे। रोहित सरदाना ने अपनी स्कूली शिक्षा कुरुक्षेत्र से ही पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रोहित सरदाना ने आगे की पढ़ाई करने की सोची और वो हिसार चले गए। रोहित सरदाना ने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में भी डिग्री हासिल की जो कि मास्टर्स में थी। रोहित सरदाना ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो स्टेशन पर नौकरी कर की थी, जिसके बाद रोहित सरदाना के सिटी केबल में काम करने का मौका मिला। रोहित सरदाना ने करीब 1.5 साल तक सिटी केबल के साथ काम किया, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। ऐसे में रोहित दिल्ली में आते ही रोहित सरदाना को सबसे पहले ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला था, जिसके बाद ईटीवी नेटवर्क में बतौर एंकर के तौर पर रोहित सरदाना ने काम करना शुरू किया था। इस दौरान रोहित सरदाना का ट्रांसफर हैदराबाद में किया गया था। हैदराबाद में रोहित सरदाना ने इतना अच्छा काम किया कि उन्हें टीवी पर एंकरिंग करने का मौका भी मिला। बस यहीं से रोहित सरदाना का करियर ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा, जिसके बाद रोहित सरदाना एक टीवी एंकर के रूप में सामने आए। रोहित सरदाना ने साल 2004 में सहारा के साथ जुड़ गए। सहारा में 2 साल रोहित सरदाना ने जी न्यूज में संपादक के तौर पर काम करना शुरू किया। जी न्यूज में काम करने के दौरान राहित रोहित सरदाना को पूरे देश से पहचान मिली। क्रिकेट का खास नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी रोहित सरदाना ने क्रिकेट पर आधारित कई शोज भी किए थे। जी न्यूज में रोहित सरदाना को डिबेट शो ताल ठोक के काफी ज्यादा फैंस पसंद करते थे। इस शो में रोहित सरदाना अक्सर देश से जुड़े मुद्दों पर लोगों के साथ डिबेट किया करते थे। बता दें कि साल 2017 में रोहित सरदाना ने जी न्यूज को छोड़कर आज तक का चैनल ज्वाइन कर लिया। आज तक पर रोहित सरदाना का डिबेट शो दंगल भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। रोहित सरदाना आज भी आज तक से ही जुड़े हुए थे। अब हम आपको बताएंगे रोहित सरदाना को मिलने वाले पुरस्कार। रोहित सरदाना को पत्रकारिता जगत में उनके योगदान के लिए
बेस्ट न्यूज एंकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रोहित सरदाना को माधव ज्योति सम्मान से भी नवाजा गया था। रोहित सरदाना को सेंसुई बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि अब हम आपसे बात करेंगे रोहित सरदाना से जुड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर हुए विवाद के दौरान रोहित सरदाना ने एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी छिड़ गई थी। दरअसल रोहित सरदाना ने इस दौरान कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, फिल्मों का नाम सेक्सी दुर्गा सेक्सी राधा रखने में ही क्या है, क्या आपने कभी सेक्सी फातिमा सेक्सी आयशा या मेरी जैसे नाम सुने हैं फिल्मों के। रोहित सरदाना की इस टिप्पणी को लेकर देश भर में विरोध छिड़ गया। लोग इस ट्वीट को लेकर कई सारी बातें करने लगे और कई सारी धमकियां भी मिलने लगी थी रोहित सरदाना को इस ट्वीट के बाद, जिसके बाद रोहित सरदाना की पत्नी प्रमिला दीक्षित भी सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने आई और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सबके सामने बताया कि किस तरह इस कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बाद उनके पति को गलत तरीके की धमकियां मिल रही हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है अपने पति रोहित सरदाना के लिए। बता दें कि प्रमिला दीक्षित के ट्वीट के बाद रोहित सरदाना ने एक बार फिर से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ किसी और का ट्वीट यहां पर हिंदी में अनुवाद कर लिखा है, ये ट्वीट मेरी तरफ से नहीं है। जहां पर रोहित सरदाना ने अपने इस नेक्स्ट ट्वीट में ये भी लिखा था कि मेरा मतलब इस ट्वीट को लिखने से किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं था, लेकिन अगर फिर भी किसी को मेरे ट्वीट से बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैंने इस ट्वीट को जानबूझकर नहीं किया है, मैंने सिर्फ किसी और के ट्वीट को यहां पर हिंदी में अनुवाद कर लिखा है। तो ये है पूरी खबर रोहित सरदाना को लेकर, जिनकी ट्वीट के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ गई थी। अब हम खोलने वाले हैं राज रोहित सरदाना की संपत्ति को लेकर। रोहित सरदाना जो पहले जी न्यूज में काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आज तक पर काम करना शुरू कर दिया। रोहित सरदाना की एक महीने की अगर इनकम की बात की जाए तो उनकी एक महीने की तनख्वाह 7.5 लाख रुपए थी। 30 अप्रैल 2021 यानी कि आज ही के दिन कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से और हार्ट अटैक आने की वजह से रोहित सरदाना का दुखद निधन हो गया, जिसके चलते हर कोई रोहित सरदाना को लेकर कई सारी बातें कर रहा है और उनसे जुड़े कई सारे खुलासे भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये थी पूरी खबर रोहित सरदाना को लेकर, जो एक महीने में 7.5 लाख रुपए कमाते हैं। इसका मतलब उनकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए की करीब जाती थी। तो यह है पूरी खबर रोहित सरदाना की संपत्ति को लेकर, जहां पर वो अपने परिवार अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर अच्छे पैसे अच्छी संपत्ति अपने परिवार और बच्चों के लिए छोड़कर गए हैं। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिसने रोहित सरदाना की संपत्ति से लेकर उनकी सैलरी तक सब कुछ किया हमने खुलासा, और साथ उनके परिवार उनकी जीवनी को लेकर भी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।